नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ, प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध कहानियां। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए इसी कड़ी में शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है टेलीफोन। एक वैज्ञानिक था। उसने देखा कि दुनिया के आधे लोग बाकी आधे लोगों की सूरत से नफरत करते हैं, पर उनसे बात जरूर करना चाहते हैं। उसने सोचा कि कोई ऐसी चीज कल बनानी चाहिए जिसमें आदमी की सूरत तो ना दिखे पर उससे बातचीत हो सके। वह उसी क्षण काम में निरत हो गया। उसका एक शत्रु उसके घर से काफी दूर रहता था। वैज्ञानिक ने एक तार लिया और उसके दोनों सिरों पर एक एक चोंगा लगा दिया। एक सिरा उसने अपनी प्रयोगशाला में रखा और दूसरा अपने शत्रु के घर में। उसने वर्षों प्रयोग किया। वह रोज अपने चोंगे में कहता, तुम बदमाश हो। उधर से कोई जवाब ना आता। एक दिन उसने हमेशा की तरह कहा, तुम बदमाश हो। उधर से क्रोध भरा उत्तर मिला, तुम भी बदमाश हो। वैज्ञानिक खुशी से उछल पड़ा। वह अपने पूर्वज आर्किमिडीज की तरह नंगा होकर सड़क पर खुशी से दौड़ना चाहता था, पर वह कपड़े उतार ही रहा था कि उसे ख्याल आया, जमाना बदल गया है और मुझे पुलिस पकड़ लेगी। वैज्ञानिक अनुसंधान के सबसे महान क्षण में भी पुलिस को नहीं भूलता। यह मानव स्वतंत्रता के लिए शुभ लक्षण है। इस आविष्कार से मानवीय संबंधी में क्रांति हो गई है। अब दुश्मन से बोलचाल बंद करने की आवश्यकता नहीं रह गई। उसकी सूरत बिना देखे उससे बात की जा सकती है। यह वैज्ञानिक उतना ही महान हुआ जितना वह विचारक जिसने यह सूत्र बताया था कि किसी से बोलचाल बंद हो तो भी उससे लिफाफे में कोरा कागज भेजकर पत्र व्यवहार किया जा सकता है। टेलीफोन के आविष्कार से मनुष्य का नैतिक स्तर उठ गया। फोन पर सच और झूठ दोनों अधिक सफाई से बोले जा सकते हैं। आदमी आमने सामने तो बेखटके झूठ बोल जाता है, पर सच बोलने में झेपता है। टेलीफोन के कारण संसार में सत्य भाषण लगभग 67% बढ़ा है। इससे मनुष्य जाति अधिक वीर भी बनी है। जिसकी छाया से भी डर लगता था उस आदमी को फोन पर गाली भी दी जा सकती है, और जब तक वह पता लगाकर आपको मारने आए आप भागकर बच सकते हैं। अब मैं फोन के उपयोग का ढंग बताता हूँ। भारत पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए यहाँ लोगों को बात करना भी नहीं आता। घंटी बजते ही चोंगा नहीं उठाना चाहिए। जब घंटी थक जाए और आराम करने लगे तब उठाना चाहिए। इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि आपके पास फोन आते ही रहते हैं। धन्यवाद।